हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ रमा शर्मा, KRS Avenue में आपका स्वागत है बहुत बहुत। और आज हम बनाई है मिल्क पाउडर से बहुत ही स्वाद बर्फ़ी, चाहे इनको इलायची कतली बोल लो, चाहे इसको मिल्क पाउडर की बर्फ़ी बोल लो, कुछ भी कह लीजिए आप इसको। ये ली है मैंने दूध की मलाई और इसके अंदर मैंने 1 चम्मच घी डाला है। और अब इन दोनों को, मलाई और घी को, थोड़ा सा दूध है इसके अंदर, थोड़ी मलाई है और घी है 1 चम्मच, सबको अच्छे से मिला लूँगी। और ये लिया है मैंने मिल्क पाउडर एवरीडे का, और इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम मिला लेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, लम्स नहीं होने चाहिए। ये 400 ग्राम का पैकेट मैंने पूरा इसमें डाल दिया है। आप इसको अब बहुत अच्छे से मिलाएंगे और ये हो जाएगा हमारा मावा तैयार। एक तरह से ये हमारा मावा बन गया है। ये देखिए हमारा मावा बन के तैयार हो गया है। अब इसका, इसको मैं रख दूंगी फ्रिज में थोड़ा टाइट होने के लिए, और जब इसका कुछ बनाना होगा तब मैं इसको यूज करने के लिए निकाल लूँगी। तो ये ऐसे हम बिना गर्म किए, बिना गैस चलाए, थोड़ा सा मलाई में या दूध में घी डालकर हम अपना मावा तैयार कर सकते हैं। देखिए ये पूरा 400 ग्राम का पैकेट मैंने इस मलाई में डाल दिया है, और इसको थोड़ा सा टाइट होने के लिए मैं अब फ्रिज में रख दूँगी। जो हमने मावा बनाया था इसकी बनाएंगे अब इलायची की बर्फ़ी। पहले तो कढ़ाई मैंने गैस पर चढ़ा दी है, और इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच घी। गैस सिम है, तेज नहीं है गैस हमारी। और ये पूरा मावा निकाल कर मैं कढ़ाई में डाल दूंगी। इसको हम धीमी धीमी आंच पर भूनेंगे। भूनने से क्या होगा, गर्म होने पे थोड़ा सा नरम हो जाएगा और ये भुन जाएगा। इसको तेज आंच पे नहीं करेंगे, नीचे नीचे लग जाएगा और हमारे मावे की शक्ल ही बिगड़ जाएगी। बहुत धीरे धीरे आंच में इसको हम गर्म करेंगे। ये देखिए भुन गया है ये, और कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है ये देखिए। अब इसमें डाल दूंगी मैं ये, बिल्कुल हम हल्के मीठे की बनाएंगे, तो ये 2 चम्मच के करीब चीनी है। अब इसको हम लगातार चलाएंगे। चीनी डालने के बाद देखिए कितना नरम हो गया है, और हम इसको जब तक चलाएंगे, जब ये चीनी पक के अपने आप कढ़ाई छोड़ देंगे, गैस को हल्का सा मीडियम कर लेती हूँ। अब मैं गैस को कर दूंगी बंद, और इसको लगातार 3-4 मिनट के लिए ऐसे ही फेंटूंगी, ताकि हमारी बर्फियां बहुत सॉफ्ट बने।
3 से 4 मिनट मैंने फेंट लिया है। अब इसको डाल देंगे थाली में। पूरा थाली में डाल देंगे इसको। ये थाली में डाल दिया मैंने। और इसको बराबर करने के लिए कपड़े पर रखकर इसको आधे ही जमाएंगे। पूरी में बहुत पतली हो जाएंगी। और इसको थोड़ा सा ऐसा कर देंगे। और इसमें डाल दूंगी मैं ये इलायची पाउडर। अब इसको हम जमने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए हमारी बर्फियाँ जमकर हो गई है तैयार बिल्कुल। और अब हम इनको कट कर लेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ी सी गैस जलाऊंगी और ये इसके ऊपर गैस के ऊपर घुमा दूंगी। बस इतना सही। अब हमारी ये जल्दी जल्दी निकल जाएंगी। ये हमारी बर्फियाँ इलायची की कतली इस टाइप से बनी है और दिखने में बहुत ही सुंदर बनी है ये। और आपको मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, आई बेल बटन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच। हम मिल्क पाउडर से बहुत ही अच्छी बर्फियाँ या गुलाब जामुन बना सकते हैं इसमें मिठाइयाँ।